चंडीगढ़ सिटी बहुत ही ग्रीन एंड क्लीन है, आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल है। दोस्तों अब हम लोग चंडीगढ़ से निकल चुके हैं और पंजाब में एंट्री कर लिया है। लगभग 35 किलोमीटर के करीब पंजाब है, उसके बाद हम लोग आगे मनाली की ओर बढ़ेंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी हम लोग पंजाब पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चंडीगढ़ से पंजाब आए, यहाँ पे एक ढाबा है, रेस्टोरेंट मंजीत। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं यहीं पे हम लोग खाना खाने आए लंच करने के लिए। देखते हैं यहाँ का खाना कैसे। बहुत सुना है कि पंजाब का खाना बहुत अच्छा होता है, तो अब मैं खाना टेस्ट करके और देख के बताती हूँ कि कैसा है। ये मंजीत होटल है पंजाब का। अभी हम लोग चंडीगढ़ से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पंजाब अभी क्रॉस करके फिर हम लोग हिमाचल प्रदेश जाएंगे मनाली। अब यहाँ का खाना हम लोग टेस्ट करते हैं कैसा है। हिमाचल प्रदेश स्टार्ट हो गया और ये मनाली की ट्रिप स्टार्ट। ये अभी 4 लेन अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये जब 4 लेन कुछ दिनों में बन जाएगा तो यहाँ से सीधा चंडीगढ़ से मनाली की दूरी बहुत कम हो जाएगी। लगभग 60 किलोमीटर सीधा कम हो जाएगा, बाकी और 4 लेन की वजह से जाना और आसान हो जाएगा। हमने सुंदर नगर पहुंच गए हैं ना, यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है मनाली के लिए हमको लग रहा है। आ जाइए शूज़ उतार लिए हैं गाइस। हम लोग इस समय ढाबे पे शाम हो चुकी है, कितने बज रहे हैं? 5:30। हाँ, और हम लोग ढाबे पे आए हैं इवनिंग की टी लेने के लिए। बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही, मैं तो गाड़ी में सो गई थी और ये भी सो गए थे। ये ज़्यादा देर सोए, मैं कम देर सोई। मैं कम सोई हूँ। हाँ, फिर अभी हम लोगों को यहाँ से पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? हम लोग यहाँ पे इवनिंग टी लेने आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रेंड दीपक वर्मा जी, हमारे कॉलेज के फ्रेंड हैं। जब हम लोग डिप्लोमा कर रहे थे तो साथ ही निकले हैं, हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड और हम भाभी हैं हमारी। हाँ, अभी गाइस इनकी अभी न्यू मैरिज हुई है और ये हनीमून कपल्स है जिनके साथ हम लोग चले आए तो हड्डी बन के। पहले हम लोग का प्लान नहीं था, लेकिन जब हाँ। का प्लान हुआ तो हम लोगों ने सोचा हम लोग भी साथ में चलते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मजा आएगी। गाइस हम लोगों ने टी ले लिया है और हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। अभी रास्ते में कुल्लू पड़ेगा, उसके बाद मनाली। हाँ। और एक हम लोग का साइड सीन है पेंटोन डैम, बट शायद हम लोग ना जा पाए। हाँ, तो हम लोग सोचे हाँ, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, इस वजह सोच रहे हैं होटल टाइम भी पहुँच जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना लेट हो जाएगा फिर। तो हम लोग पेंडोन डैम हो सकता हो लौटते समय वापस जब आएंगे चंडीगढ़ की ओर, सब ठीक क्या हो रहा है, लौटते समय हम लोग जाएंगे पेंडोन डैम। ये देखिए पेंडोन डैम, बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं। कुल्लू अब यहां से 15 किलोमीटर लगभग बचा है। मैं अपनी उंगलियों का किसी की भी तस्वीर बनाऊं, तुम्हारी बन जाती, ये सिर्फ मेरा पागलपन है। यहां देखिए
क्योंकि हम लोग कुल्लू में हैं, कुल्लू में यहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे एक फैक्ट्री में आए हैं, फैक्ट्री का आउटलेट है यहाँ पे, साड़ी ब्लैंकेट काफ़ी मिल रहे हैं, तो निशू देखिए अपने लिए देख रहे हैं। रिसाइकलिंग करके बनता है, जो कहते हैं कि अगर 48 डिग्री का भी टेम्परेचर होगा ना, अगर लेडीज पहनेंगे तो ठंडा, मेबी अगर अच्छा लगा साइड, इसको विंटर में लेडीज यूज नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये ज्यादा कूल रहता है, कि वो ट्री बहुत ठंडा होता है, तो उस ट्री को रिसाइकलिंग करके ना हम लोग कुछ इस तरीके का साड़ी बना, जिसको कहते हैं कि लेडीज अगर विंटर में यूज करेंगे ना तो वार्म करेगा, और कहते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा जो गर्मी होता है सर वो चूरू राजस्थान सुना होगा, वहाँ अगर लेडीज यूज करेंगे तो कूल करेगा, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर ट्री है यहाँ का देवघाट, जैसे पूजा वगैरह हवन वगैरह में ना उस लकड़ी को काफी शुभ माना जाता है, और अब जो मैं दिखाऊंगा ना यही वो मेडिकेटेड प्लांट, हाथ दीजिए तो तू वही सर, घबराइए नहीं, ये वो प्लांट है, अभी दिखाएंगे इसके बारे में कुछ हो रहा है हल्का सा, नहीं 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 5 मिनट के बाद ठीक हो जाएगा, इससे बेनिफिट बताएंगे क्या होता है, 6 मंथ तक फीवर नहीं आता, एक बार हीट करने से खुजली हो रही थी क्या, लाइए आप नहीं 5 मिनट तक, ये इसमें काटा नहीं होता सर, इसमें रेसा होता है जो एक्यूपंचर का काम करता है, जो नस ब्लॉक हो जाता है ना बॉडी का, कर रहा है निश्चित ट्राई करो, आप सुनो ना, एक मिनट सुनिए, नहीं सुनेंगे तो पता नहीं, ये इसमें एक्यूपंचर का काम करता है, जो नस ब्लॉक हो जाता है ना वो खोल देता है, और कहते हैं 6 मंथ तक फीवर नहीं आता, इसलिए हम लोग लगाते हैं, इसका बेनिफिट दिखाते हैं आप, निशु थोड़ा सा भी लगा लेंगे तो फायदा, अभी जाएंगे ना मनाली और नेटल फार्मेसी, वहाँ हीट करने का 500 रुपया लेता है, पर हम लोग नहीं लेते क्योंकि हम लोगों को इजीली मिल जाता है, 5 मिनट तक, उसके बाद क्या हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, कांटे लग रहे हैं, रहने दीजिए, आप तो लगा लिया, आपको फायदा मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, ये देखो इसके बारे में पढ़ो पहले, क्या हुआ कांटे लग रहे हैं क्या है, कांटे नहीं होता सर, इसमें रेशा होता है जो, एक देखो इसके बारे में पढ़ो क्या है, ट्राई ले, एक नहीं 100 नहीं दिखाएंगे अभी, लाइए सर लगा लो, हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका बेनिफिट बहुत है फ्यूचर में भी, पैरासीटामोल टैबलेट है ना इसी से बन, ये देखिए, तो इस ट्री को ना सर सुन रहे हैं आप, इस ट्री को ले जा नहीं सकते आप अपने प्लेस में, अभी हल्का बबलिंग, हल्का हल्का जैसा लग रहा है, चला जाता कांटे जैसा, बबलिंग होने का मतलब है कि आपकी जो अंदर की जो सिस्टम है ना बॉडी वो ठीक है, क्योंकि जितने ब्लॉकेज नसें होते हैं ना उसको खोल के आपके ब्लड को फिल्टराइज करते हैं, नहीं होता यहाँ के लोग कांटे जैसा लग रहा है, आप विश्वास कीजिए, यहाँ के लोग कभी बीमारी नहीं पड़ा, जितना यहाँ उतना केसेस नहीं था, जो बाहर से लोग आ रहे थे ना उनकी वजह से हो गया, ये देखिए सर, इस ट्री को आप ले जा नहीं सकते अपने प्लेस में क्योंकि ये स्नो फॉल में होता है, तो कॉर्पोरेशन इसको रिसाइकलिंग करके ना इससे थ्रेड निकलता है, जो सिल्क थ्रेड में मिक्स करके साड़ी बनता है, जिसको गठिया वगैरह की प्रॉब्लम है, जानते हैं ना गठिया जड़ से खत्म कर देता है, ये देखिएगा, तो वही है नेटल साड़ी कहते हैं इसको, मेडिकेटेड साड़ी, और ये वर्क कैसे करता है, जब साड़ी पहन के लेडी चलेंगी ना तो घसरन होता है जिससे पेन खिंचता है, और 10 से 15 दिन के अंदर जो पहनेंगी ना वो खुद बताएंगे कितना रिलीफ है, इसकी गारंटी है 2 ईयर्स की, साड़ी जितना दिखाया ना सबका 2 साल की गारंटी इसकी भी है, कहते हैं बॉडी में 1% पेन रह जाए आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा पार्सल बना के भेज देना, लेकिन इसकी 2 ईयर्स की गारंटी, इसमें 5 कलर मिलेगा, और अभी जो ब्लैंकेट दिखाया ना न्यूली हम लोगों ने साड़ी भी बनाया सर, जी जी पश्मीना साड़ी कहते हैं, यहाँ का सबसे मोस्ट पॉपुलर साड़ी है, इस साड़ी का खासियत है कहते हैं अगर इस तरीके से अगर 6 मंथ। फ्रेंड्स अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं अपने होटल के लिए, और रास्ते में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, नाउ इस समय हम लोग हैं मनाली में, मनाली के एक होटल में हैं, और कल हम लोग लेट में पहुंचे थे इसलिए लास्ट का ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया था, दोस्तों अब मैं रेडी हो चुका हूं, निशु भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, अभी इस समय सूज पहन रही है, और हम लोग की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, आज हम लोग का प्लान है रोहतांग पास जाने का, क्योंकि कल नाइट को काफ़ी बारिश हुई है, इस वजह से देखिए साधु दूर से आप लोग को ना दिख रहा हो, 1 सेकंड में व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, तो आज हम लोग का सडन प्लान बन गया कि हम लोग दूसरे या तीसरे दिन जाने वाले थे रोहतांग पास, बट हम लोग का सडन प्लान बना है कि हम लोग आज ही चलते हैं, क्योंकि आज हम लोग को ताज़ी फ्रेश बर्फ़ का मज़ा